फिरोजाबाद आरटीओ आई ऑफिस में भ्रष्टाचार रोकने की मांग। सवन महासभा और चाणक्य फाउंडेशन ने डीएम कार्यालय पर दिया ज्ञापन। कहा समाज सेवी दिनेश वशिष्ठ की गाड़ी के कार्य के मांगे पैसे कहना आरटीओ साहब को अवगत कराया तो हुए आप अबूला। डीएम साहब ने कहा नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी है मामले को लेकर जांच। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पर सवन महासभा और चाणक्य फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया जिसमें अवगत कराया कि आरटीओ कार्यालय पर बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। समाज सेवी दिनेश वशिष्ठ जिसका उदाहरण है उनकी गाड़ी के कार्य के आरोप है पैसे मांगे गए। उन्होंने देने से मना किया और आरटीओ साहब को अवगत कराया कि अपने आई ऑफिस पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वे हाँ बबूला हो गए और भद्दर्जे का अपमान किया और मुकदमा लगाए जाने की धमकी दी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने का कार्य करें। हर खिड़की पर प्राइवेट दलाल बैठते हैं जो बिना पैसे के कार्य नहीं करते। कहा इनको अति शीघ्र नहीं हटाया गया तो संख्या करीब 20 सामाजिक संस्था के साथ मिलकर शांति पूर्वक करने के लिए बात ही होगी। वहीं डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा उनके पास कुछ लोग आए हैं उनकी शिकायत को लेकर सिटिंग मजिस्ट्रेट को जांच के लिए निर्देशित किया है। बाकी जांच के बाद जो भी संज्ञान में आएगा उसको लेकर कार्यवाही की जाएगी। चाणक्य फाउंडेशन से डॉक्टर अखिलेश शर्मा संघ उनकी संस्था के पदाधिकारी व सवन महासभा के पदाधिकारियों में दिनेश वशिष्ठ ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि वे अपनी गाड़ी की फिटनेस के लिए आए थे जहां कई परेशानियों का सामना करना 15,000 रुपए मांगेंगे। वास्तविक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक हूँ और मेरे पास गाड़ियाँ हैं। मैं एक अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने गया तो उन्होंने एक वो डब्बा सा बांटते हैं। स्पीड गवर्नर के नाम पर वो डब्बा बांटना मेरे लिए ख़राब है। मैंने इसके लिए उनसे बात करी, उनको ये भी बताया कि मेरी गाड़ी के अंदर स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, टाटा कंपनी का नई गाड़ी है, फिर भी उन्होंने एक डब्बा दिलवाया 1500 रुपये उन दलाल ने लिए और उसके बाद में मुझे 3000 रुपये RI साहब ने लिए और उसके बाद में 15 दिन बाद मेरी गाड़ी को उन्होंने फिटनेस दी। उसके कुछ दिन बाद मैं एक अपनी नई गाड़ी पास कराने गया, मेरे पास पूरी फाइल में अंकित है, उन्होंने 15,000 रुपये मांगे, नहीं देने पर उन्होंने लिख दिया कि ये मानकों से अधिक है। मेरा कहना ये है कि पहले से भी मेरी एक गाड़ी इसी RTO ऑफिस के पास है, जो आज देखा जाए इनके मानकों से देखा जाए तो मानकों से अधिक है। वो गाड़ी इसी RTO ऑफिस से कैसे पास हो गई? अब जो मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, अपने चहेते दलालों से मरवाना चाहते हैं, तो मैं विकास दुबे नहीं बनूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, वशिष्ठ जाति में मेरा गोट है, मैं इसको शास्त्रों से मारूंगा, गोली से नहीं मारूंगा। कौन धमकी देता है आपको? RTO धमकी देता है मुझे। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? मुझे आश्वासन दिया है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आप हमारा सहयोग करें इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। RTO कार्यालय के लिए मैंने एक साल पहले भी DM साहब को शिकायत की थी और ज्ञापन दिया था। इसके बाद जो है लगातार RTO कार्यालय में दलालों का बोलबाला रहता है। जब मैं गया था तो गेट बंद होता है, गेट के अंदर सिर्फ दलालों को बुलाया जाता है और RTO साहब से जब बात करते हैं तो वो सबसे पहले उनका कोई सजातीय 4-5 दलाल उन्हें बैठा रखे हैं और RTO साहब अपनी गाड़ी पर जब जिलाधिकारी लिखे हुए थे, हम लोगों ने जब उनसे कहा तो बोले मेरा साला है जिलाधिकारी, और जब मीडिया ने वहाँ पर जो है फ़ोटो खींचना शुरू किया तो उन्होंने जाकर के खुद खुरच दिया, अपने आप को जिलाधिकारी बताता है और मुख्यमंत्री तक हम पैसा भेजते हैं ये भी कहता है कि हमारा पैसा सीधा मुख्यमंत्री तक जाता है। जब जो है दिनेश वशिष्ठ जी के साथ भी ये हालात हुई कि उन्होंने जब उसका विरोध किया, उन्होंने जो है जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बात कराई, विधायक से भी बात कराई और इन्होंने जयवीर सिंह जी से भी बात कराई, लेकिन वो किसी की बात को नहीं मानते हैं। और जब जो आदमी ये कहता है कि हम मुख्यमंत्री को पैसा भेजते हैं, अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे कि इस पर कार्रवाई करें और सस्पेंड करें, और अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और यदि ये इन्होंने गुंडे नहीं भगाए तो उन गुंडों को भी हम लोग पीटने का काम भी करेंगे। कानून भले ही हाथ में लेना पड़े लेकिन गुंडई का जवाब हम लोग गुंडई से भी देना जानते हैं, लेकिन हमारा संस्कार है कि हम लोग पहले शालीनता से काम करें। लेकिन ये शालीनता की भाषा आज के अधिकारी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ गालियां देते हैं, गुंडों से लोगों को पिटवाने का काम करते हैं। इनके लिए जो भी हो सकता है हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और लाठी का जवाब गोली से भी देना हम लोग जानते हैं। जय हिंद।